हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। जो केजरीवाल सरकार ने 5,000 रुपये ड्राइवर को देने के लिए जो वादा किया है, जो ये 21 दिन का लॉकडाउन और जो ये एक्सटेंड हुआ है 19 दिन के लिए, इन बिटवीन जिन ड्राइवर्स भाइयों की सबको ही पता है कि काम धंधा बंद हो गया है, तो रोजी रोटी कमाने की बहुत दिक्कत है, तो उनके लिए एक फाइनेंशियली एडोन करने के लिए, एक फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक 5,000 रुपये देने की स्कीम चलाई है, जो कि हर ड्राइवर को 5,000 रुपये उसके सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जो गाड़ियाँ दिल्ली NCR में चला रहे हैं लड़के, जो भी ओला उबर में चला रहे हैं या काली पीली टैक्सी चलाते हैं या स्टैंड पे चलाते हैं या ऑल ओवर जो भी कमर्शियल वाहन से जुड़े हुए हैं, जो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, क्या उन सभी ड्राइवर भाइयों को 5,000 रुपये दिल्ली सरकार देगी या नहीं देगी? और देगी भी तो किन शर्तों पे देगी? क्या रीज़न है जिसके बेस पे सरकार ने ये कदम उठाया है? तो उसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब श्री माननीय हमारे जो केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 5,000 रुपये हर ड्राइवर को दिए जाएंगे, लेकिन अब ये कैसे दिए जाएंगे ये हमें समझना ज़रूरी है। ये देने के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। फ्लोट हैं परिवहन मंत्री दिल्ली के, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें ये 5,000 रुपये उन ड्राइवर भाइयों को दिए जाएंगे जिनके वाकई डॉक्यूमेंट सरकारी तरीके से वैलिड हैं। क्योंकि दिल्ली NCR में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं लेकिन उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और प्लस PSV बैज नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने केवल केवल उन लोगों को रिकमेंड किया है कि जो वैलिड ड्राइवर हैं पूरे, अगर वो वैलिड होंगे पूरी तरीके से, उनका डाटा गवर्नमेंट के पास वैलिड तरीके से होगा, अगर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वैलिड तरीके से बनाए होंगे, ईमानदारी से बनाए होंगे, तो उनका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा और उसी डेटे के बेस पे जो सरकार है उन ड्राइवर भाइयों की मदद करेगी। और एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो पहले एक केस चला था देवानंद मुकुंद देवागन ओवरसीज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, तो उसमें एक जजमेंट आई थी कि प्राइवेट लाइसेंस पे भी LMV कमर्शियल वाहन चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात को इसमें दरकिनारे रखना होगा क्योंकि सरकार के पास भी इतना फॉर्मेट डेटा नहीं है कि वो एक एक चीज़ को एनालाइज कर सके। तो उन्होंने एक सीधा साधा फॉर्मेट बनाया है कि जो वैलिड होगा, कंप्लीटली वैलिड होगा, उसकी मदद गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी। उसमें वो मदद कैसे करेगी, उन्होंने दो चीज़ की प्रक्रिया को तो मस्ट किया है। पहला, आपका कमर्शियल लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और विद चिप के साथ होना चाहिए, और प्लस आपके पास PSV बैज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है लेकिन PSV बैज नहीं है तो दोस्तों आप ये आवेदन भर नहीं पाओगे, क्योंकि साइट पे जो प्रोग्रामिंग की गई है, अगर आप ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे, उनके नंबर्स नहीं फिल करोगे, तो वो आगे का प्रोसीजर ही नहीं परफॉर्म करेगी वेबसाइट जो उनकी प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए आपको PSV बैच की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। अब बहुतों ने पूछा कि उनके पास PSV बैच तो है लेकिन उनका कंसाइंड नहीं कर रहा है, वैलिड नहीं बता रहा है, किसी का लाइसेंस वैलिड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, 2008 के बाद, 9, 10, 12 के बाद ऐसे लाइसेंस बनाए गए जिसमें क्या था, पहले फर्जी लाइसेंस बहुत बना करते थे। फर्जी लाइसेंस इन द सेंस कि पहले कोई गवर्नमेंट के पास तो डेटा होता नहीं था लेकिन फर्जी लाइसेंस बनवा लिए जाते थे पुलिस से बचने के लिए, और अपना चलाते रहते थे और कोई उनसे बहुत क्राइम भी हो जाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत ही स्टिकनेस
ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसी चीज़ एप्लीकेशन बनाई कि सबके लाइसेंस में चिप होनी चाहिए, क्योंकि चिप से ये पता लग जाता है ये लाइसेंस कब बना था, किसके नाम है, कि क्या डेटा है, क्या इसके चलान है, तो गवर्नमेंट को ट्रैक करने में आसानी हो जाती है और इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो कई दोस्त नाराज़ होंगे कि हमारे पास चिप का नहीं है। तो दोस्तों, जिनके पास चिप का लाइसेंस नहीं है और उन्होंने वैलिड तरीके से लाइसेंस बनवाया है और उनके पास PSB बैच भी है और उनके पास चिप वाला नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए एक मेल करना पड़ेगा और या ट्वीट भी कर सकते हो उनको। उनकी Gmail ID में जिस पे आपको मेल करना होगा उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर आप मेल करके अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करके वहाँ तक आप पहुँचा सकते हो। डॉक्यूमेंट में आपके मेन प्राइमरी 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपका लाइसेंस, दूसरा का PSB बैच और तीसरा आधार कार्ड, इन ये 3 होंगे और एक आपका फ़ोन नंबर। अब गवर्नमेंट के पास इसी डेटे के ऊपर ही वो रिसर्च करके कि इतने लोग हैं उसी के बेस पे वो अलॉटमेंट देगी लोगों को। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब हम क्या करें। तो देखो दोस्तों, इसमें PSB बैच का तो कन्फर्म है कि PSB बैच होना ज़रूरी है। अगर आपका चिप वाला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइट परफॉर्म करेगी, आराम से आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक से लिंक जरूर होना चाहिए। अगर बैंक से आपका लिंक है तो उसी बेस पे वो पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसी उनकी शर्तें हैं, क्योंकि वो बैंक अकाउंट नहीं ले रहे हैं, वो सीधा आपका आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड पर ही जिस भी बैंक से वो लिंक होगा उसमें ऑटोमेटिक पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, पहला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वैलिड कमर्शियल विद चिप, दूसरा आपके पास PSB बैज होना चाहिए विद चिप, और तीसरा आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, और चौथा आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसमें वो OTP आएगा, तो OTP से आप सबमिट करोगे साइट पे डेटे को, वो कंफर्म करेंगे कि एक्चुअल में आप ही हो, कोई और तो नहीं है। OTP इसलिए मांगे जाते हैं कि वेबसाइट को परफॉर्म करने के लिए आगे प्रोसीजर के लिए। और लास्ट में दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर किसी भाई को जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस कमर्शियल वैलिड है, PSB बैच है, आधार कार्ड लिंक है, और वो साइट पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, साइट का नाम है दोस्तों, मोबाइल में भी चलती है वो साइट, उसको चलाने का तरीका है, किस तरीके से चलती है, साइट है, उसका सब डोमेन बनाया गया था, gov.in पे सब डोमेन बना हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट का, pucc.delhi.gov.in ये वेबसाइट है। मैं नीचे अपनी हेडलाइन में आप देख रहे होंगे, ये वेबसाइट है, आप अपने उसमें मोबाइल में खोलोगे आसानी से खुलेगी और इस पे आप अपनी साइट को, वो अपनी डिटेल को भर सकते हो। लास्ट में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आप अपने आप पास संभाल के रख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बात लंबी हो गई है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, तो जानकार जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उनके तक ये मैसेज पहुंच जाए और आसानी से उनका भी काम हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।